लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हो आप, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालना, हमने लगभग आपको सारी चीजें बता दी थी। अब इसमें बस छोटा सा एक टॉपिक बच रहा था, एक लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आप किसी क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड करोगे। तो उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग लॉन फॉर्म। सबसे पहले समझना है लॉन फॉर्म वो किस तरह से निकालते हैं आप। तो एक बात ये दिमाग में रखना आप हमेशा कि जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा एक लॉन फॉर्म में आपको सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करने, कभी भी कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं करने, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये। ठीक, दूसरा ये कि जब एक लॉन फॉर्म बनाते हो तो वहां पर देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहला एलिमेंट, जैसे यहां पर पहला एलिमेंट सपोज ये मिला, यहां पर पहला एलिमेंट ये मिला, वो हमेशा वन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमने कहा यहां सबसे पहले वन होना चाहिए, तो जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप इसको इंटरचेंज करके यहां ला सकते हो, तो वन को उठा करके यहां ले आओ, सबसे पहला काम ये है ना। ठीक है, हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को यहां पर इंटरचेंज कर लिया। फर्स्ट रो इंटरचेंज करने के बाद देखो मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गया 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 और 1 1 -2 0। तो ये हमारे पास सबसे पहले वो यहां पर बना गया। अब जैसे हम लोग सिंपल रैंक ऑफ मैट्रिक्स जब करते थे तो वहां पर ऑपरेशन यूज करते कि पहले इन तीनों एलिमेंट को जीरो करना है, तो खैर ऑलरेडी जीरो था, इसको जीरो किया जाए, इसको भी जीरो किया जाए। किस किस रो में जीरो करना है आपको, थर्ड रो में करना है और फोर्थ रो में करना है। तो एक ऑपरेशन लिखो R3 -3R1 और यहां लिख दिया R4 -R1। इतना करने के बाद देखो जो मैट्रिक्स हमारे पास यहां बन करके आई Y1 0 1 1, ये तो ऑलरेडी जीरो था, 0 -3 -1। देखो यहां से 3 का मल्टीप्लाई करके यहां माइनस करो, 0 एज इट इज रहेगा। जब यहां माइनस करो तो ये -3 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो -1 आएगा। ऐसे ही इसको डायरेक्टली यहां पर माइनस कर रहे हैं तो 0, ये आएगा 1, ये आएगा -3 और ये आएगा -1। ठीक है, इतना आ गया। अब आप ध्यान से देखो, हमने कहा ना यहां पर सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना है। एक चीज ध्यान से देखो कि आप जो सेकंड रो यहां लिखी वही थर्ड है, वही फोर्थ है। यदि हम सिंपल एक ऑपरेशन यूज कर लें कि थर्ड और फोर्थ में सेकंड रो को माइनस कर लें, तो थर्ड में और फोर्थ में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 -R1 कर देंगे और R2। तो क्या हुआ, थर्ड फोर्थ में ऑपरेशन लगाएंगे और सेकंड रो को थर्ड में और फोर्थ में माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करोगे तो आप देखो ध्यान से यहां पर ये रो दोनों हो गई 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन करके आ गई, मैट्रिक्स हमारे पास ये बनी 1 0 1 1। इसके बाद गया 0 1 -3 -1 और ये हमारी रो हो गई 0। देखो अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स थी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी दो यहां पर नॉन जीरो रो है और दो रो यहां पर पूरी पूरी जीरो है। और देखो नॉन जीरो रो में सबसे पहले क्या, यहां वन है, यहां वन है। इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि इसको आगे अब करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप निकाल सकते हो कि रैंक ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक लॉन फॉर्म बस ये चेंज करने का तरीका समझना है कि यहां सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना, एक भी कॉलम ऑपरेशन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमने कहा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो, एक लॉन फॉर्म चेंज करना हो, किस तरह से निकालना आपको। अब देखो कुछ यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट से कुछ थ्योरम्स हैं जिन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, वो आपको मॉडल डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखें, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला थ्योरम जो था वो ये था कि किसी भी नॉन जीरो या नॉन सिंगल मैट्रिक्स का जब किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी ऑल्टर नहीं होती है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन सिंगल मैट्रिक्स इन एनी मैट्रिक्स नॉट अल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आपको हम बताते हैं क्वेश्चन किस तरह। देखो एग्जाम्पल नंबर का 2 रख लो आप यहां। सबसे पहले आप लिख लो कि इफ ए बी टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू दिया आपको 2 एंड बी आपको यहां पर मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स थी 1 0 -1 0 2 0 1 0 3।
फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है यहां पर। अब ए मैट्रिक्स की रैंक अपने को पता है 2 है, बी यहां मैट्रिक्स ही है, तो नॉर्मल वैसे सोचे कि रैंक ए बी, यानी कि हमको मैट्रिक्स ये पता हम चेंज कर, तब तो ए बी निकाले फिर रैंक निकाले। लेकिन हमने ही बताया कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो उस मैट्रिक्स की रैंक कभी चेंज नहीं होगी। तो यहां सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि बी यहां पर नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो जब इसका आप सोल्यूशन करो बस खाली इतना चेक करो कि जो बी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स बी है उसका मॉड ले लो आप, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स का अगर आप मॉड लेते हो, सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं कि बी मैट्रिक्स अपने को गिवन ये 1 0 -1 0 2 0 1 0 3, ये लिख लिया आपने। अब हमने कहा सबसे पहले आप चेक करो कि जो बी मैट्रिक्स थी 3x3 की ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है, इसलिए इसका क्या डिटरमिनेंट फाइंड करो आप। तो 1 × 2 आ गया 6 - 0, ये 6 आ गया, ये तो ऑलरेडी 0 लिखा है। -1 × 2 करोगे तो आ जाएगा -2, यानी कितना आ गया 8 आया। तो देखा हमने इस क्वेश्चन में कि मॉड बी जो 3x3 था वो नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी हमने क्या बताया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो रैंक ऑफ अगर आप ए बी निकालोगे तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 2 आएगा, क्योंकि रैंक क्या कितना दिया गया 2। अगर रैंक ए का मान 1 दिया होता तो रैंक 1 आता, रैंक ए का मान 3 दिया होता तो यहां पर 3 आता। अच्छा जरूरी नहीं कि ए बी निकाले, अगर बी ए भी निकालना होता, बी ए भी निकालना होता तो रैंक भी हमारी कितनी आती, तब भी 2 ही आती, यानी कि रैंक ऑफ अगर बी ए पूछा जाए तो भी कितना आएगा 2 आएगा। तो हमने क्लियर बोला कि प्री और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डजंट अल्टर द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये कभी रैंक्स की चेंज नहीं होती है, ठीक। तो एक तुम्हारा ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, क्वेश्चन पूछ सकते पेपर में, वो समझ में आए। इस क्वेश्चन में सर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि एक मैट्रिक्स अपने को दे दी जाए, रैंक दे दी जाए बी मैट्रिक्स, तुरंत चेक करो सिर्फ मॉड चेक कर लो बस खत्म हो गया, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं बहुत आगे। इस तरह से एक क्वेश्चन में और एग्जाम्पल दिया गया, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ये था कि किसी भी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक 2 से कभी 1 नहीं हो सकती है, नॉट इक्वल टू 1। तो उसके लिए क्या करें हम लोग एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाएगा कि कोई भी अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो इसमें क्वेश्चन ये लिखा जाएगा इस तरह से, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। ये क्वेश्चन लिखा था नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन नॉट हैव रैंक 1, कैन नॉट हैव रैंक 1। अच्छा अभी क्यों हो रहा कि 1 नहीं हो सकती रैंक की, हम सबने पीछे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स आपको दी जाए, देखो सोल्यूशन ऐसे इस तरह करो कि ए बराबर होना चाहिए -A ट्रांसपोज, अगर ये होगा तो हम बोलते हैं ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और हम ये भी पढ़ चुके हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं। तो यदि हम कोई मैट्रिक्स 2x2 की लिखेंगे भी तो देखो ध्यान, सबसे पहला एलिमेंट यहां 0, इसको मान लो हमने ए लिख लिया, इसको लिखा बी, इसको लिख लिया 0, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। क्योंकि देखो प्रिंसिपल डायगोनल यहां 0 होना जरूरी है, बात समझना। अगर इसको सिर्फ सिंगल रखते हो कि ये रखे तो तुम्हारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, मिनिमम आपके पास जो 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी वो यही मिलेगी, यानी कि ये दो एलिमेंट तो तुम्हारे 0 होंगे, यहां कोई ना कोई एलिमेंट जरूर दिया गया होगा, ठीक है। तो जब एलिमेंट यहां नॉन जीरो अगर होगा तो अगर इसका अगर कहें भी चलो ठीक है मॉड ऑफ 2x2 निकालो आप, तो 0 माइनस कितना आ गया ए बी विच इज नॉट इक्वल टू 0, और रैंक में हम पढ़ चुके हैं कि मॉड ऑफ 2x2 नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो रैंक 1 तो नहीं हो सकती, रैंक 1 होने के लिए आपके पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट मिलेगा, और सिंगल एलिमेंट जब मिलेगा 1x1 की मैट्रिक्स होगी तो वहां एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, और इसमें साफ साफ लिखा है नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये होगा इस मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 1 नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी होगी अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है पेपर में आपको। अच्छा अब हम कुछ क्वेश्चन और बताते हैं इसमें आपको, जो थोड़े सिंपल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं किस तरह जाएंगे। देखिए हमने तुमको कुछ ये बताया, जैसे रैंक बताया था रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन मिनिमम
और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो कॉमा कॉलम। एक तो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना, इसमें ये पहले स्टार्टिंग में हमने बता चुके हैं लास्ट वीडियो में और वहां से कंप्लीट करना। इसके बाद तुमने बताया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि किसी क्वेश्चन में सेकंड नंबर लिखे जिसका रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी क्वेश्चन में रैंक ए पता है, रैंक बी पता है, आपसे कहा जाए कि रैंक ऑफ ए बी निकालो, तो ये हमेशा होगा रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरीके से इसमें जो तीसरा एक पार्ट होगा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है कि आप मान लो कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, माना ए और बी दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर हमको दिया है फाइव, ठीक है। लेट ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फाइव, इसमें लिखने से ध्यान देना। If A and B are two matrix whose order is 5, मान लो उसका ऑर्डर कितना है 5 दिया गया है और रैंक के मान लो उसका 3 है, रैंक के का मान 2 मान लो, रैंक A इक्वल टू मान लिया 3 और रैंक B इक्वल टू हमने मान लिया 2, तो आपसे पूछेंगे रैंक ऑफ A भी निकालो, रैंक ऑफ ए बी निकालो। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखें, ये होता है कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी माइनस होगा ऑर्डर ऑफ एन, मान लो एन ऑर्डर सपोज है, ऑर्डर हमें एड्रेस कितना दिया एन दिया, दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होगा और बी का यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पहले रैंक ऑफ ए बी निकालो कितना होगा, तो देखो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 2 माइनस 5, इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। अच्छा, अब जैसे हमने भी बताया ये चलो ठीक है क्वेश्चन ये तो आ सकता है कि रैंक ऑफ ए बी क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसा पूछ सकते थे। इसी में अगर सेकेंड एक पॉइंट और लिख लें, देखो यहां से अगर अभी हमने तुमको बताया इस क्वेश्चन में कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक रैंक बी, है ना, तो अगर देखें इसका ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड देखें, सेकंड वाले से देखें कि रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू था मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी। देखो रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक कितना दिया गया था 3, ये कितना दिया था 2। देखो यहां से ध्यान दो, रैंक ऑफ ए बी लेस देन और इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो लिख ले यहां पर दो, उसको यहां लिख लेते, यहां से हमें मिल गया कि रैंक ऑफ ए बी आ गया लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखो यहां से अगर इन दोनों को हम कंबाइंड अप करें तो यहां से हमको मिल गया कि रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू आ गया 2। ये इसका एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट ये तुम्हारा हुआ। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि रैंक ऑफ ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, लेस देन 2, ऐसा कुछ भी आपको चार ऑप्शन बना के दे सकते थे। तो ये ध्यान था, ये भी इम्पोर्टेंट एक पार्ट तुम्हारा है, ये फॉर्मूला तुम्हारा एक्चुअली, इससे क्वेश्चन ग्रुप के सोल्यूशन सॉल्व किए जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये दोनों था, ये तीनों ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो इसमें एक छोटा टाइप दो पॉइंट इसमें और दिए, उनको भी लिख लेते हैं इसी में हम लोग। मान लो एक फोर्थ नंबर लिखा है, यदि किसी क्वेश्चन में रैंक ऑफ हमें ए प्लस बी निकालना है और रैंक ए और रैंक बी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैसे लेस देन और इक्वल टू होता है रैंक ए प्लस रैंक बी। ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं आपसे कि रैंक ए प्लस बी, रैंक ए और रैंक बी दिया है, रैंक ए प्लस बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी। और एक लास्ट इसमें देख लें और फिफ्थ नंबर इसमें दिया था, वो ये था कि रैंक ए प्लस रैंक ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। ध्यान देना ये तुम्हारे कुछ पार्ट्स में दिए गए हैं, जैसे कुछ हमने फॉर्मूले लिखे इनको ध्यान से पढ़े, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड जो भी था, ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो भी पूछे आएंगे। तो ये सारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इतना सब कुछ आपने को दिया गया जो हमने तुमको बताया, पीछे फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में आपको हमने बताया कि इकलॉन फॉर्म कैसे निकालते हो आप, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ तुमको दी जिनको आप सॉल्व कर, इतना ही है जो क्वेश्चन पूछा सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, उससे ज्यादा कहीं कुछ और को दिया नहीं गया है। तो ये सारी चीजें आप कंप्लीट करें, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में
आपको लगभग जितना कुछ है वो सभी कुछ मिल जाएगा, इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं करने में। बस हाँ, जैसे कभी कभी होता है कोई क्वेश्चन दे दिया कि एक मैट्रिक्स दी गई है उसका ऑर्डर दे दिया, दूसरी मैट्रिक्स दी उसका ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी, तो ए बी निकालने का तरीका मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, आप उसको मल्टीप्लीकेशन को जरूर चेक करें कि आपको क्या दिया। जैसे एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेंगे, सब लोग नोट कर लेंगे, एक सिंपल इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं पेपर में। एक मैट्रिक्स मान लो एग्जाम्पल ये लिखा है, एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए आई जे, इसका ऑर्डर आपको दे दिया है सपोज 1x n दे दिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपने बी मान लिया, बी मैट्रिक्स आप मान लो कि बी आई जे दिया गया है और इसका ऑर्डर हमने मान लिया n x 1 दे दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जरा भाई इसका रैंक ऑफ ए बी निकालो कितना है, तो ए बी रैंक ऑफ ए बी पूछा गया है, मैट्रिक्स ए बी पहले निकालो इनका ऑर्डर बनेगा क्या, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो क्या करें, अगर ए इंटू बी हम करेंगे तो ए इंटू बी, ध्यान देना, ए इंटू बी करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर ध्यान देना, 1x n है, इसका n x 1 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1x1 की बनेगी, यानी ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1x1 की तो बनेगी। अगर ए बी 1x1 की बन रही तो सिंपल बात है कि इसमें एक एलिमेंट होगा, उसकी रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। तो रैंक ऑफ अगर ए बी हमें निकालना है तो कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ए बी मैट्रिक्स आपको दी है, आपसे पूछा रैंक ऑफ ए बी निकालो, तो पहले ए बी का मल्टीप्लीकेशन इजीली देख लो, चेक कर लो, उसका जो ऑर्डर बनेगा ऑर्डर से बड़ा क्लियर है, क्वेश्चन आया भी हुआ पेपर में, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर ध्यान में, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल आप ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बाकी आपने जितना कुछ इसमें पढ़ा हुआ है, एक दो थ्योरम कहीं आपको मिलती है, थोड़ा सा आप देख ले, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में इतना आपको और कंप्लीट करना है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो जब इस पे आएगा वो होगा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस दोनों तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मेथड आपको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे लीनियर इक्वेशन पर। ओके।